हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एडजस्टमेंट की कि हम किस तरह से एक शॉर्ट कॉल या शॉर्ट पुट को एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए, आपको एडजस्टमेंट्स को लेके कंफ्यूज नहीं होना है। हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज को ट्रेड करते हैं और जब मार्केट उस स्ट्रेटजी को चैलेंज करता है तब हम उसके एडजस्टमेंट्स को ढूंढते हैं। तो बेसिकली एडजस्टमेंट होता क्या है? एडजस्टमेंट में हम या तो शॉर्ट कॉल को मैनेज कर रहे होते हैं या शॉर्ट पुट को मैनेज कर रहे होते हैं। तो अगर आपको एडजस्टमेंट्स को मास्टर करना है तो बेसिकली आपको ये सीखना है कि मैं एक शॉर्ट कॉल या शॉर्ट पुट को किस तरह से मैनेज कर सकता हूं। चाहे स्ट्रेटजी कोई भी हो, एट द एंड ऑफ द डे हम या तो शॉर्ट कॉल को मैनेज कर रहे होते हैं या शॉर्ट पुट को मैनेज कर रहे होते हैं। मान लीजिए जैसे स्ट्रैडल है, स्ट्रैडल में हम क्या करते हैं, एक एट द मनी का कॉल ऑप्शन सेल कर दिया, एक एट द मनी का पुट ऑप्शन सेल कर दिया। अब मार्केट हमारे अपर ब्रेक इवन को तोड़ता है तो जो कॉल ऑप्शन है उसको हम मैनेज करते हैं, और अगर मार्केट लोअर ब्रेक इवन को तोड़ता है तो जो पुट ऑप्शन है उसको हम मैनेज करते हैं। उसी तरह से अगर मैं एक स्ट्रैंगल को ट्रेड करता हूं तो मार्केट अगर मुझे ऊपर की तरफ चैलेंज करता है तो मैं शॉर्ट कॉल को मैनेज करूंगा, और मार्केट अगर नीचे की तरफ मुझे चैलेंज करता है तो मैं एक शॉर्ट पुट को मैनेज करूंगा। तो एडजस्टमेंट्स इन ऑप्शंस इज बेसिकली मैनेजिंग ए शॉर्ट कॉल और ए शॉर्ट पुट। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप एक शॉर्ट कॉल या शॉर्ट पुट को किस तरह से मैनेज कर सकते हो, अपने ब्रेक इवन को ऊपर या नीचे किस तरह से शिफ्ट कर सकते हो अगर मार्केट आपको चैलेंज करता है। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए मैं सीधा आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और दिखाता हूं कि आप किस तरह से एक नेकेड ऑप्शन को एडजस्ट कर सकते हो। तो देखिए, ये मैं आपको ऑप्शन की स्क्रीन पर ले आया हूं और अभी जो सीरीज चल रही है यह है 29 सितंबर की। तो मैं ऑप्शन सिमुलेटर को ओपन करता हूं और वहां पे आपको दिखाता हूं एक शॉर्ट कॉल को मैनेज करके। तो मैं ऑप्शन सिमुलेटर को ओपन कर लेता हूं। तो अभी जो सीरीज चल रही है ये है सितंबर की, तो जो करंट सीरीज होती है वो सिमुलेटर में अवेलेबल नहीं होती है। तो अगस्त सीरीज का एग्जांपल लेकर हम समझते हैं। तो मैं 1 अगस्त को सेट कर लेता हूँ। 1 अगस्त को मान लीजिए मैं ट्रेड लेता हूँ 25 अगस्त की एक्सपायरी के लिए। तो यहाँ पे देखिए मार्केट कहाँ ट्रेड कर रहा है, 17200 पे। तो 17200 है, ये एट द मनी का लेवल है। तो मैं ऑप्शन चेन को ओपन कर लेता हूँ। तो 17200 से मान लीजिए आप ऊपर की तरफ जाते हो और आप एक 17500 का कॉल ऑप्शन सेल कर देते हो जिसका प्रीमियम है 144 रुपीज। इसका एक लोट आपने सेल कर दिया। तो अब आप देखिए ये आपका पे ऑफ चार्ट बनता है। आपका व्यू था कि मार्केट नीचे जाएगा ऊपर नहीं जाएगा, तो आपने एक आउट द मनी का कॉल ऑप्शन सेल कर दिया। मार्केट ट्रेड कर रहा है 17200 पे, आपने 17500 का एक कॉल ऑप्शन सेल कर दिया और इसके लिए आपने 144 रुपीज का क्रेडिट रिसीव कर लिया। अब ये जो क्रेडिट आपने रिसीव किया है यही आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है, और मार्केट अगर नीचे कहीं भी जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा, और मार्केट अगर ऊपर भी जाता है, आपका व्यू गलत हो जाता है, तो भी आपको प्रॉफिट होगा 17644 के लेवल तक। उसके बियॉन्ड अगर मार्केट ऊपर जाता है तब आपको लॉस होगा। तो ये पे ऑफ चार्ट बनता है एक शॉर्ट कॉल का। अब आप यहाँ पे देखिए, आपने कॉल ऑप्शन को सेल किया है तो आपको कैश मिलती है। अगर आपका व्यू सही होता है तब तो आपको प्रॉफिट होगा ही, आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 7200 रुपीज का है। लेकिन अगर आपका व्यू गलत होता है तो भी आपको प्रॉफिट होगा 17650 के लेवल तक। 17650 तक अगर मार्केट ऊपर जाता है, दैट मींस अभी जहां मार्केट ट्रेड कर रहा है यहां से अगर 450 पॉइंट ऊपर भी चला जाता है वहां तक भी आपको प्रॉफिट ही होगा। तो अगर आपका व्यू गलत हो रहा है तो भी आपको प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन अगर 450 पॉइंट के बियॉन्ड और ऊपर जाता है तब आपको लॉस होगा। तो मतलब जब आप ऑप्शन को सेल करते हो तो आपका व्यू डेडली रॉन्ग होना चाहिए, तभी आपको लॉस होगा। अदरवाइज आपको ये एज मिलती है कि अगर आपका व्यू थोड़ा बहुत भी गलत होता है तो भी आपको प्रॉफिट ही होगा। तो अब एक एक दिन करके आगे चलते हैं, और जब मार्केट हमारे ब्रेक इवन को तोड़ता है तो हम किस तरह के एडजस्टमेंट कर सकते हैं, अपने ब्रेक इवन को और फर्दर कैसे शिफ्ट कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो एक एक दिन करके हम आगे चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो अगले दिन मैं देखता हूं, अगले दिन देखिए मार्केट 17300 से भी ऊपर चला गया है, मार्केट में गैप अप हुआ है और मेरा लॉस है वो 2500 रुपीज का है, लेकिन मेरा ब्रेक इवन है 17644 पे है। तो मैं अभी किसी तरह का कोई एडजस्टमेंट नहीं करूंगा। एडजस्टमेंट मैं कहां पे करूंगा, जब 17500 का कॉल ऑप्शन जो मैंने सेल किया है, जब मार्केट यहां पे पहुंच जाएगा, जो ऑप्शन मैंने सेल किया है जो कि अभी आउट द मनी है, जब ये स्ट्राइक एट द मनी हो जाएगी उस टाइम पे मैं एडजस्टमेंट करूंगा। तो अगले दिन देखते हैं, अगले दिन मार्केट थोड़ा और ऊपर जाता है, मेरा लॉस है ये 4500 रुपीज का हो रहा है। देखिए दो दिन में मार्केट काफी ऊपर चला गया है। उससे अगले दिन मार्केट और ऊपर जाता है, मेरा लॉस है ये 5700 रुपीज का है। देखिए मार्केट 17464 पे है और मैंने जो स्ट्राइक सेल की है वो 17500 की है, लेकिन अभी ये एट द मनी नहीं हुआ है, इस वजह से मैं कोई एडजस्टमेंट नहीं कर रहा हूं। अगले दिन मार्केट थोड़ा सा नीचे आया है और मेरा लॉस है ये 5000 रुपीज का है। उससे अगले दिन देखते हैं, अगले दिन मार्केट और थोड़ा सा नीचे आया है, मेरा लॉस है 3000 रुपीज का है, मार्केट ऑलमोस्ट 17400 के लेवल पे है और मेरी स्ट्राइक है 17500। अगर 17500 टूटता है देन आई विल डू एडजस्टमेंट।
अगले दिन देखते हैं। अगले दिन देखिए मार्केट में 150 पॉइंट का गैप अप हुआ है और मार्केट 7550 पे पहुंच गया है। मतलब इस गैप अप में मेरा जो स्ट्राइक है ये इन द मनी हो चुका है। 17500 का कॉल ऑप्शन मैंने सेल किया था और मार्केट 7550 पे पहुंच गया है, तो मतलब ये इन द मनी हो चुका है, यहाँ पे मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो देखिए आपका ब्रेक इवन क्या है, 17644, जो कि अभी भी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट दूर है, लेकिन आपका कॉल ऑप्शन जो आपने बेचा था वो इन द मनी हो गया है। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, ये जो ब्रेक इवन है इसको मुझे और ऊपर की तरफ शिफ्ट करना है। तो ये मैं कैसे कर सकता हूं वो मैं आपको दिखाता हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे एक रेशियो स्प्रेड को डिप्लॉय करूंगा। मेरा ब्रेक इवन क्या है, 17650, तो 17650 का जो स्ट्राइक है, जो आपका ब्रेक इवन है, उसको आपको बाई करना है 17650। ये कितने पे ट्रेड हो रहा है, 17650 का जो लेवल है इसका डेल्टा 44 है और ये ट्रेड हो रहा है 197 रुपीज पे। इसका एक लोट आपको बाई करना है। और रेशियो स्प्रेड में क्या होता है, एक लोट हम बाई करके और मल्टीपल लोट सेल करते हैं, और उसके पीछे का आइडिया क्या होता है कि इस ऑप्शन को बाई करने के लिए जो प्रीमियम मैंने पे किया है ये मैं वापस रिसीव कर लूँ आउट द मनी के ऑप्शन सेल करके, मल्टीपल ऑप्शन सेल करके। तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 200 रुपीज़ मार्केट को पे किए हैं, तो मैं आउट द मनी में जाऊंगा। और देखिए यहाँ पे 17900 है, इसका प्रीमियम है 98 रुपीज़। तो इसके अगर मैं तीन लोट सेल कर देता हूँ तो ये इजीली इस प्रीमियम को कवर कर लेगा। तो देखिए इसके अगर मैं तीन लोट सेल करता हूँ, यहाँ पे आप दो लोट भी सेल कर सकते हो, लेकिन दो लोट में क्या होगा, अगर आप दो लोट सेल करते हो तो क्या होगा, आपका ब्रेक इवन है ये ऊपर की तरफ तो शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन आपको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। इसलिए मैं यहाँ पे तीन लोट सेल कर रहा हूँ ताकि मेरा ब्रेक इवन भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए और उस एरिया में मुझे प्रॉफिट भी हो। तो यहाँ पे मैं तीन लोट सेल कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 17650 का एक कॉल ऑप्शन बाई किया है और उसके अगेंस्ट मैंने 17900 के कॉल ऑप्शन के तीन लोट सेल किए हैं। तो अब आप देखिए ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अब अगर मार्केट ऊपर जाता है तो जहां पे मुझे अनलिमिटेड लॉस आना शुरू हो रहा था वहां पे अब मुझे 4600 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए मेरा ब्रेक इवन है अब ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है। पहले मेरा ब्रेक इवन कहां पे था, 17650 पे, और अब मेरा ब्रेक इवन कहां पे है, 17930 पे। मतलब मैंने अपने ब्रेक इवन को ऑलमोस्ट 300 पॉइंट से ऊपर शिफ्ट कर दिया है। तो इस तरह से आप अपने शॉर्ट कॉल को मैनेज कर सकते हो, आप अपने ब्रेक इवन को फर्दर ऊपर की तरफ शिफ्ट कर सकते हो। इसको मैं चाहूं तो और ऊपर शिफ्ट कर सकता हूं, 17900 का कॉल ऑप्शन ना सेल करके अगर मैं 18000 का कॉल ऑप्शन सेल करता हूं तो ये ब्रेक इवन और ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि आप किस तरह से अपने ब्रेक इवन को ऊपर या नीचे की तरफ शिफ्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने कॉल ऑप्शन का एग्जांपल लेके समझाया है। सिमिलरली आप पुट ऑप्शन में भी कर सकते हो। मान लीजिए आप एक पुट ऑप्शन को सेल करते हो और मार्केट आपके स्ट्राइक पे पहुंच जाता है, तो आपका जो ब्रेक इवन है वहां पे आपको एक पुट ऑप्शन बाई करना है और उससे फर्दर आउट द मनी में जाके मल्टीपल ऑप्शन सेल करने हैं। मतलब आपको एक पुट रेशियो स्प्रेड डिप्लॉय करना है और उससे भी सेम इफेक्ट आएगा, आपका ब्रेक इवन है ये आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक एडजस्टमेंट करके और मैंने मार्केट से 300 पॉइंट एक्स्ट्रा ले लिए हैं। अब मार्केट को मुझे लॉस देने के लिए 300 पॉइंट और चलना पड़ेगा, उसके बाद मुझे लॉस आना शुरू होगा। तो मैंने 300 पॉइंट्स का एक एडिशनल कुशन ले लिया है। तो ये है वो एडजस्टमेंट जिससे आप एक शॉर्ट कॉल या शॉर्ट पुट को मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आपको रेशियो स्प्रेड को डिप्लॉय करके और एक शॉर्ट कॉल को मैनेज करना बताया है, लेकिन यही कोई अकेला एडजस्टमेंट नहीं है। मैं और भी वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि आप अपने शॉर्ट कॉल या शॉर्ट पुट को किस तरह से मैनेज कर सकते हो। मैंने मल्टीपल एडजस्टमेंट शेयर कर रखे हैं, यहां पे मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता। वो वीडियोस आप देख सकते हो जिनमें मैंने बताया है कि आप किस तरह से एक शॉर्ट कॉल या शॉर्ट पुट को मैनेज कर सकते हो। तो चलिए ये एक छोटा सा वीडियो बना के मैंने आपको समझाया कि आप किस तरह से एक शॉर्ट कॉल को मैनेज कर सकते हो, और सेम चीज आप पुट ऑप्शन में भी कर सकते हो। अगर मार्केट पुट ऑप्शन को चैलेंज करता है तो वहां पे आप एक पुट रेशियो स्प्रेड को डिप्लॉय कर सकते हो। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, लेकिन वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस कमिंग संडे को, दैट इज 18 सितंबर को, मैं एक वर्कशॉप कंडक्ट कर रहा हूं जो कि होगी आयरन कॉन्डोर के ऊपर। इस वर्कशॉप में मैं आपको बताऊंगा कि आपके आयरन कॉन्डोर का सेटअप किस तरह का होना चाहिए, ग्रीक्स क्या होने चाहिए, और आप किस तरह से एक आयरन कॉन्डोर को मैनेज कर सकते हो अगर मार्केट ऊपर या नीचे किसी भी तरफ आपकी प्रॉफिटेबल रेंज को तोड़ता है तो। और इसकी खास बात यह होगी कि मैं आपको यह बताऊंगा कि आप किस तरह से एक आयरन कॉन्डोर को मैनेज कर सकते हो बिना मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ाए। देखिए एक आयरन कॉन्डोर को ट्रेड करने के लिए आपको 40,000 to 45,000 रुपीज का मार्जिन चाहिए। अगर आपके पास 45,000 रुपीज हैं तो आप एक आयरन कॉन्डोर को ट्रेड कर सकते हो। अब मान लीजिए मार्केट आपके आयरन कॉन्डोर को चैलेंज करता है ऊपर या नीचे, तो आप किस तरह से इसको मैनेज कर सकते हो बिना मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ाए।
दैट मीन्स इन्हीं 45,000 रुपीज में आप किस तरह से इस आयरन कॉन्डोर को मैनेज कर सकते हो ये मैं आपको बताऊंगा, और ये मैं आपको रियल मार्केट में भी करके दिखाऊंगा कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ चैलेंज करता है तो आप इसको कैसे मैनेज करोगे और नीचे की तरफ चैलेंज करता है तो आप कैसे मैनेज करोगे। और इसी के साथ मैं एक बोनस स्ट्रेटजी भी शेयर करूंगा, ये स्ट्रेटजी क्या है, इसका सेटअप क्या होगा और इसमें आप किस तरह के एडजस्टमेंट कर सकते हो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये कंप्लीट मास्टर क्लास होने वाली है आयरन कॉन्डोर के ऊपर, तो ये वर्कशॉप कंडक्ट होगी कमिंग संडे को, दैट इज 18 सितंबर। तो अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी डिटेल्स चाहिए तो ये नीचे मैंने नंबर दे दिया है, इस पे व्हाट्सएप करके आप सभी तरह के डिटेल्स ले सकते हो। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आज आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।